समय आ चुका है कि I put my money where my mouth is. मतलब मनी हो या ना हो, लेकिन I have to make predictions. यानी कि अंत में या तो आप वो बुकेज भेजोगे या फिर ब्रेक बैट भेजोगे, जो भी भेजोगे सब हाथ जोड़ के आंखें नीचे करके मंजूर है, कबूल है. तो सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है इस साल? Let's pick the three batters जो सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं, ऑरेंज कैप की रेस में रह सकते हैं. सबसे ज्यादा विकेट कौन चटकाएगा? पर्पल कैप पर्पल पटेल या somebody else, कौन कौन वहां जा सकते हैं, टीम्स कहां फिनिश करेंगी, अनकैप्ड इंडियन कौन सा होने वाला है जो गजब मचाएगा, सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर किसका रहने वाला है, लेट्स टॉक ऑल अबाउट दैट. मतलब कि प्रिडिक्शंस पे प्रिडिक्शंस देखी जाएगी. वैसे कहते हैं कि क्रिकेट तमाम अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पे सारी प्रिडिक्शन फेल है, ऐसा वीरू ने कहा था, मैंने उसकी कॉपी मार ली है. अब आपसे मैं एक सवाल पूछ जाता हूं, 2009 का जो आईपीएल का सीजन रहा था उसमें पहला शतक किसने चढ़ा था? फर्स्ट सेंचुरी ऑफ 2009 आईपीएल सीजन. आई मीन डिफिकल्ट है. क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन हैशटैग आकाशवाणी. एक्सचेंज 22 हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है. देखिए एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं, और अब तो लीडर बोर्ड आपने देख लिया होगा, इन्वेस्टिंग की ऑप्शंस आपकी समझ में आ गई होंगी. नहीं आ रही तो भैया खरीद फरोख्त तो कर ही लीजिए, बाइंग एंड सेलिंग. और मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में भी शेयर करूंगा कि आज शाम के मुकाबले के लिए मैंने किस किस को खरीदा है, किसी को बेचा है. बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई एम नॉट सोल्ड एनीवन, पर आप बेच भी सकते हैं और उसके लिए मैं टेलीग्राम के चैनल पे आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा, वो भी प्लीज फॉलो कीजिएगा. पर नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट मेकिंग प्रेडिक्शंस वन आफ्टर द अदर. सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? यही ऑरेंज कैप उनके सर पे विराजमान रहती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं. मैंने तीन भारतीयों को चुना है, मैंने इस बार कोई भी ओवरसीज प्लेयर नहीं चुना है जो सूची में होगा. हालांकि फाफ डुप्लेसी, डेविड वॉर्नर, जॉनी बेस्ट हो, मतलब जो काफी समय तक अवेलेबल रहने वाले हैं, मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, तो भाई उनमें से भी कोई हो सकता है, केन विलियमसन, वाई नॉट, पर ग्लेन मैक्सवेल, ना ना ना, आई एम गोइंग विद द थ्री इंडियंस. मुझे लगता है इन तीनों के बीच में ऑरेंज कैप की रेस रहेगी और अंत में हो सकता है किसी के एक के सर पर वो विराजमान भी रहे. सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूँ केएल राहुल को. कमाल, लाजवाब राहुल, मतलब यही करते हैं, हर बार आईपीएल खेलने आते हैं, हर बार 600 रन बनाते हैं, हर बार ऑन कैप की रेस में आगे चल रहे होते हैं, कभी पा लेते हैं कभी पीछे रह जाते हैं, पर इस साल भी आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग एल्स. इनके आंकड़े जो मुंबई के मैदानों पर अगर आप देखेंगे आप पाएंगे एकदम दुरुस्त हैं, और इनको रोकने वाला मुझे नहीं लगता आसानी से कोई बनने वाला है. इस बार तो टीम भी तगड़ी है और दूसरे एंड से भी ठीक ठाक पिटाई होने वाली है, तो आई एम थिंकिंग केएल राहुल एज वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स. दूसरा जो मैंने खिलाड़ी पिक किया है वो भी कप्तान है, वो कप्तान है कोलकाता की टीम के, मैं कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर विल हैव अ फिनोमिनल सीजन. हो सकता है आज शाम से शुरू हो जाए, इनफैक्ट हो सकता है मैंने आज उनको खरीदा भी हो. डू वॉच द वीडियो, यू विल गेट टू नो. तो श्रेयस अय्यर मेरे विचार में 600-500 इनका बेस्ट सीजन, द बेस्ट सीजन एवर फॉर श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू बी दिस सीजन. अभी तक का सबसे बेहतरीन सीजन ये रहने वाला है. ऑरेंज कैप की रेस में ये भी शुमार रहने वाले हैं तीसरे नंबर पे, या इट्स नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर. शिखर धवन, शिकी बॉय मुझे लगता है बहुत अच्छा खेलेंगे उनके साथ, वैसे मयंक भी अच्छा खेलेंगे, रोहित शर्मा भी अच्छा खेलेंगे, विराट कोहली भी अच्छा खेलेंगे, पर मैंने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया, ईशान किशन का नहीं लिया, सूर्य कुमार यादव का नहीं लिया, पर मैंने लिया है शिखर धवन का नाम. तो मेरे जो तीन प्राइमरी कंटेंडर्स हैं फॉर द ऑरेंज कैप की रेस में जो आगे रहेंगे वो हैं शिखर धवन, श्रेयस अय्यर एंड कमाल लाजवाब राहुल. एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि शिखर और अय्यर के बीच में से कोई एक इस बार बाजी मार जाए, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. सबसे ज्यादा विकेट्स कौन चटकाएगा? नाउ दैट्स अनदर बिग क्वेश्चन. और इसके अंदर एक हल्की सी चीज जो मैंने सीखी है और हो सकता है बिल्कुल बेकार हो क्योंकि आईपीएल का काम ही यही है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. तो मैंने सीखा है कि यार उन वाले बॉलर्स को चुनो जो डेथ में बॉलिंग करते हैं, बीच वाले ओवर में जो बॉलिंग करते हैं स्पिनर्स होते हैं, स्पिनर्स को नहीं मिलती सबसे ज्यादा विकेट्स. हालांकि इस बार पूरी इंडिया में है, चार ही मैदानों पे है, टर्न इवेंचुअली तो होगी गेंद, पर वो तो शारजा में भी हो रही थी, वो तो भाई दुबई में भी एंड में होने लगी थी, पर ये वाली रेस जो है ये फास्ट बॉलर अमूमन जीत जाते हैं. मैंने तीन फास्ट बॉलर पिक किए हैं, मैंने जसप्रीत बुमबुम को पिक किया और मुझे लगता है उनका भी ये सीजन बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि दबाव बहुत रहेगा. पिछली बार बोल्ट भी थे, पिछली बार राहुल चहर भी थे, ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोलिंग यूनिट. इस बार बोलिंग यूनिट मुझे ओके लग रहा है, इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट बैड, मतलब है गेंदबाज ऐसी बात नहीं है, टमाल मिल्स हैं, डैनियल सैम्स हैं, और राइली मेरेडिथ हैं, जयदेव उनादकट हैं, बेसिल थम्पी हैं, मयंक मारकंडे हैं, मुरुगन अश्विन नाम है, पर आई थिंक जसप्रीत बुमबुम, कहीसो रबाडा ये खेलेंगे पंजाब की फ्रेंचाइज के लिए. एक बार फिर वही मुश्किल समय पे गेंदबाजी करेंगे और विकेट चटकाएंगे, ये मेरा मानना है. और तीसरा जो मैं खिलाड़ी पिक कर रहा हूँ वो है ट्रेंट बोल्ट.
हर्षल पटेल, सिराज, आवेश, प्रसिद्ध कृष्णा, यूजी चहल, रविचंद्रन अश्विन, इन सबको मैंने छोड़ दिया है। आई एम सॉरी गाइज, मैंने छोड़ दिया है। मैंने रखा है दो ओवरसीज गेंदबाज, कहीं सौरभ आडक, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। मेरे हिसाब से तीन हो सकते हैं इस बार। आई वोंट बी सरप्राइज अगर जो पर्पल कैप है वो जसप्रीत बुमराह के सर पे चली जाए। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब इससे पहले कि सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर मैं चुनूं या सबसे बेहतरीन वो क्या कहते हैं टीम कहां पहुंचने वाली है, अनकैप्ड इंडियंस कौन होने वाले हैं, ये सब कुछ चुनने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं और मैं रोज खेलता हूं ऑनेस्टली, और इस पूरे सीजन में भी आईपीएल में लगातार मैं खेलता रहूंगा, खरीद फरोख्त करता रहूंगा। इन्वेस्टिंग में भी मैंने काम किया है, एक्चुअली इन्वेस्टेड इन शेयर्स एंड इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। मैंने तो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के भी शेयर लिए हुए हैं, मैकलैनिंग का शेयर है मेरे पास, मैं बहुत पैसे कमा रहा उधर, तो आप भी समझ के करिए, कमाइए। अब मैं आपको ये बताया तो मैंने आज किस किस को पिक किया। चलो पिक श्रेयस अय्यर, आई टोल्ड यू श्रेयस अय्यर इज ब्रिलियंट, मैंने उनको पिक कर लिया है। मैंने सुनील नारायण को पिक कर लिया है, मैंने शिवम मावी को पिक कर लिया है, मैंने रविंद्र जाडेजा को पिक किया है और मैंने एडम मिलने को पिक किया है। तो ये मेरे चार पांच खिलाड़ी मैंने पिक कर लिए हैं। टॉस के बाद हो सकता है मैं कुछ इधर उधर कर जाऊं, वो मैं आपको शेयर कर लूंगा टेलीग्राम पे अगर इफ आई एम चेंजिंग, इफ आई एम नॉट दीज आर द प्लेयर्स दैट आई हैव बॉट। तो फिर आप भी खरीदिए बेचिए एक्सचेंज 22, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो डाउनलोड दी ऐप और शुरू हो जाइए स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। चलिए अब जरा ओपनर्स की बात कर लेते हैं, सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर। वैसे ओपनर्स पेयर्स बड़े कमाल के हैं। अब नीचे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आपको डेवन कॉनवे या रॉबिन उथप्पा मिलेंगे, फाफ के साथ अनुज रावत मिलेंगे, रोहित के साथ ईशान मिलेंगे। लेट मी जस्ट गो वन बाय वन, आई एम गोइंग राहुल एंड क्विंटन डीकॉक। सॉलिड ओपनिंग पेयर है और मेरे विचार में ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। दोनों मिलकर पिटाई करेंगे, एक लेफ्टी एक राइटी, और दोनों छोरों से होगी बहुत सारी पिटाई। एक और जो पेयर मेरे को बहुत पसंद है वो है धवन और मयंक अग्रवाल। तो मुझे लगता है ये दोनों एक बार फिर अच्छा करने वाले हैं, एक बार फिर नहीं पर ये अच्छा करेंगे, दोनों अच्छा करेंगे। इंडिविजुअली हमेशा करते हैं, इस बार साथ में करेंगे। देन आई एम सेइंग रोहित एंड ईशान। तो ये मैंने तीन पेयर्स पिक किए, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शिखर धवन एंड मयंक अग्रवाल, क्विंटन डीकॉक एंड केएल राहुल। जॉस बटलर के साथ ओपन कौन करेगा, जॉस ओपन करेंगे मुझे पता नहीं है। दिल्ली के लिए वार्नर जब आएंगे तब आएंगे, पृथ्वी शॉ का सीजन कैसा रहेगा ये मुझे पता नहीं है। अगर आप कोलकाता की तरफ देखते हैं तो वेंकटेश अय्यर तो है, पर साथ में कौन होने वाला है ये मुझे पता नहीं है। तो फिर वहां थोड़ी थोड़ी सी ना परेशानी है, गिल के साथ वेड आएंगे या कोई और आएगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो फिर जब अनसर्टेनिटी ज्यादा रही है तो ये मेरे तीन प्रमुख ओपनिंग पेयर्स हैं। आई थिंक दिस विल बी द टॉप थ्री मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर्स यार। बेस्ट अनकैप्ड प्लेयर्स मेरी ये सेकंड लास्ट कैटेगरी है। बेस्ट अनकैप्ड प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, आई एम सेइंग यशस्वी जायसवाल। इस बार यशस्वी भवा बनने के इनके पूरे पूरे चांस है, मुंबई का लड़का है और मतलब मुंबई में क्रिकेट खेलते हैं, आए तो यूपी से हैं पर इन मैदानों को पहचानते हैं। शाहरुख खान मिडल ऑर्डर बैट्समैन, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे ऐसा मुझे लगता है, खान साहब प्रीति जिंटा की टीम में। एंड देन आई एम गोइंग विद तिलक वर्मा क्योंकि ये मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग का नतीजा है। तो फिर ही इज समवन हु एक्चुअली इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो ये मेरे तीन अनकैप्ड इंडियंस हो गए। वैसे अब्दुल समद, उमरान मलिक का ये नाम भी आपके जहन में जरूर आते हैं। राहुल त्रिपाठी वंस अगेन, मतलब एक बार फिर उनका सीजन अच्छा हो सकता है। तो नाम तो ऑफकोर्स है, मतलब राहुल तेवटिया भी अभी तो और महिपाल लोमरोर ये सारे अभी तो अनकैप्ड इंडियंस ही हैं। तो इनमें से भी किसी के साल अच्छे रह सकते हैं, पर आई एम गोइंग विद दीज थ्री गाइस। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रम रोल वाला टाइम, यानी कि इस बार मैं बहुत अनकन्वेंशनल पिक करने वाला हूँ, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स पिक करने वाला हूँ। मैंने चेन्नई सुपर किंग्स को पिक नहीं किया, मैंने मुंबई इंडियंस को पिक नहीं किया, मैंने दिल्ली कैपिटल्स को पिक नहीं किया, आई मीन कर क्या रहा हूँ, मैंने आरसीबी को पिक नहीं किया, मैंने सनराइज हैदराबाद को पिक नहीं किया। तो मेरी टॉप चार टीमें हैं कौन सी? नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी वन, और मुझे पता है इसके बाद ना गालियां बहुत पड़ती हैं, पर अपन को अपना काम करने का है। मतलब जो मैदान पे होगा वो इवेंचुअली विल अनफोल्ड ऑफ कोर्स, पर मजा किस चीज में है कि यू मेक अ प्रेडिक्शन अभी के अभी, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सीएसके केकेआर में से किसी एक टीम का मैं सोच रहा था, मैं केकेआर की तरफ चला गया। मैं जान दे यार कोई बात नहीं, इस बार तो चेन्नई में धोनी कप्तान है नहीं, तो सॉरी जडू, पर मैं ये चार टीम्स जो मैंने पिक की हैं उसमें राजस्थान रॉयल्स मुझे लगता है कि इस बार बहुत आगे जानी चाहिए, शुड क्वालिफाई। लखनऊ सुपर जायंट्स गुड टीम, शुड क्वालिफाई। पंजाब किंग्स ग्रेट टीम, शुड क्वालिफाई। और केकेआर, बिटवीन केकेआर एंड सीएसके, आई एम गोइंग विद केकेआर। ठीक है, देखी जाएगी। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू डाउनलोड दी ऐप एंड स्टार्ट प्लेइंग, क्योंकि बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। बताइएगा जरूर कि मेरी प्रेडिक्शंस आपको ठीक लगी या नहीं लगी, कमेंट सेक्शन भर दो मेरे यार।